हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं BCOM तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज का वीडियो करेक्शन वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वित्तीय नियोजन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम बात करते हैं वित्तीय नियोजन, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व और वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। देखिए, पिछले वीडियो में ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था, ऐसे कमेंट मुझे मिले थे। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो फिर से बनाया है मैंने। तो देखते हैं इसमें वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, वित्तीय नियोजन के बारे में फिर से हम बात कर लेते हैं। वित्तीय नियोजन क्या होता है? मैंने आपको बताया था वित्तीय नियोजन का अर्थ दो प्रकार से लिया जाता है, एक संकुचित अर्थ में और एक विस्तृत दृष्टिकोण में। संकुचित अर्थ में कहते हैं कि वित्तीय नियोजन का मतलब है वित्त की योजना बनाना, कितना वित्त चाहिए ये प्राप्त पता करना। लेकिन विस्तृत अर्थ में केवल ये काम नहीं है कि केवल वित्त की योजना बना ली, ये देखा जाएगा कि कितना वित्त चाहिए, किन साधनों से प्राप्त करना है, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण में वित्त का कार्य बढ़ जाता है, उसका साधनों का अनुमान लगाया जाता है, प्राप्त करने के लिए साधनों का चुनाव किया जाता है, वित्तीय नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उन नीतियों को लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वित्त की आवश्यकता है या वित्तीय प्लानिंग हमने बनाई है, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है व्यवसाय का स्वभाव। देखिए, किसी भी व्यवसाय का स्वभाव उसकी वित्तीय प्लानिंग को प्रभावित करेगा। किस प्रकार से प्रभावित करेगा? यानी कि यदि जो अधिक सामान्य व्यवसाय है, यदि व्यवसाय की प्रकृति सामान्य व्यवसाय की है, तो उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। या मैं ये कह दूँ कि जो पूंजी प्रधान व्यवसाय है उनमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, और यदि श्रम प्रधान है तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर वित्त की कम आवश्यकता होगी। पूंजी प्रधान का मतलब हो गया ऐसे व्यवसाय जिनमें सारे कार्य मशीनरी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो जब बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएगी, स्वचालित मशीनें होंगी, अच्छी तकनीक होगी, तो वहाँ पर पूंजी की आवश्यकताएँ भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ जाएगी तो उसके लिए अलग से योजना बनानी पड़ेगी, और कम आवश्यकताओं वाले, वित्तीय आवश्यकता वाले व्यवसायों में पूंजी की योजना चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यवसाय का स्वभाव इसे प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की आय किस प्रकार से प्रभावित करेगी? देखिए, व्यवसाय की आय दो प्रकार से हो सकती है। एक व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें नियमित और स्थिर आय प्राप्त होती है, और दूसरे व्यवसाय ऐसे हों जिनमें परिवर्तनशील आय प्राप्त है, जिसकी आय कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी इनकम उन्हें प्राप्त हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यवसाय जिनकी आय नियमित और स्थिर रूप से मिलती है, उनमें कम पूंजी से भी काम हो जाएगा। अर्थात जब आय प्राप्त होती है तो वही पूंजी उस व्यवसाय में फिर से काम आ जाएगी, तो इनके लिए फिर से कम प्लानिंग बनानी पड़ेगी कम आय के लिए। और ऐसे व्यवसाय जिनकी आय परिवर्तनशील है, जिनकी आय में लगातार परिवर्तन होते हैं, उनके लिए वित्तीय योजना उस प्रकार से चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी, तो फिर वहाँ पर फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो भी चेंज हो जाएगी उनके लिए। उनको देखना पड़ेगा कि किन साधनों से वो पूंजी प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय में जोखिम की मात्रा। देखिए, व्यवसाय में जो जोखिम की मात्रा है, रिस्क इन द बिजनेस, व्यवसाय में जो जोखिम है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग को, वित्तीय योजना को? ध्यान दीजिए, यदि व्यवसाय में बहुत ज़्यादा जोखिम विद्यमान है, हाईली रिस्क फैक्टर यदि है व्यवसाय में, ऐसी सिचुएशन में उस व्यवसाय को ऋण नहीं मिल पाएगा, कोई भी ऋणदाता व्यक्ति ऋण उसको देने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यवसाय को अपनी सारी योजना स्वामी पूंजी को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेगी, अर्थात स्वामी पूंजी की अधिकता होना आवश्यक हो गया। लेकिन यदि व्यवसाय ऐसा है जिसमें जोखिम की मात्रा कम है,
ऐसी सिचुएशन में उस व्यवसाय में ऋण पूंजी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे व्यवसाय जब ऋण पूंजी प्राप्त करके काम करेंगे तो समता पर व्यापार का लाभ भी इन्हें प्राप्त होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इस प्रकार से उनकी प्लानिंग ऋण पत्रों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। उनकी जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसमें ऋण पत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवसाय में जोखिम की मात्रा पर भी वित्तीय योजना निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, विस्तार योजनाएं, प्लान्स ऑफ एक्सपांशन। व्यवसाय की क्या विस्तार योजनाएं हैं? देखिए, व्यवसाय का जब निर्माण किया जाता है तो सिर्फ वर्तमान आवश्यकताओं को नहीं देखा जाता, सिर्फ जबकि ये देखा जाता है कि भविष्य में उस व्यवसाय में क्या किया जा सकता है, कितने विस्तार की संभावनाएं विद्यमान है। इस प्रकार से यदि व्यवसाय में विस्तार की अधिक संभावनाएं विद्यमान है, ऐसी सिचुएशन में उसका इफेक्ट पड़ेगा वित्तीय योजना पर। तो वित्तीय योजना जब भी बनाई जाएगी उस विस्तार की क्रिया को ध्यान में रखकर ही उसका निर्माण किया जाएगा, अर्थात भविष्य के कार्यों को ध्यान में रखकर ही वित्तीय योजना निर्मित की जाएगी, ताकि यदि भविष्य में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है उस समय उस व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए वित्त प्राप्त करने में। तो इस प्रकार से योजना बनाई जाएगी कि उस व्यवसाय की ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी पहले से ही अधिक रखी जाएगी, ताकि आवश्यकता के समय किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं आकार। मींस क्या हुआ? स्टेटस एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, यानी कि प्रतिष्ठा, व्यवसाय की प्रतिष्ठा, आकार, आयु, उसका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का है, तो ये सब चीज़ें भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। मींस क्या हुआ? यदि व्यवसाय की गुडविल, जिसको हम बोल सकते हैं, स्टेटस बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यवसाय को पूंजी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी, उसे आसानी से ऋण प्राप्त हो सकते हैं। और यदि व्यवसाय की प्रतिष्ठा नहीं है, कम है किसी भी कारण से, तो फिर उसे आसानी से ऋण प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना उसकी प्रतिष्ठा पर भी निर्भर करेगी, आकार पर निर्भर करेगी। जितने बड़े आकार का व्यवसाय है उतनी ही उसकी वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ जाएगी या अधिक होंगी, और छोटे आकार के व्यवसाय में कम वित्तीय आवश्यकताओं से, कम वित्तीय साधनों से भी आसानी से कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय की प्रतिष्ठा और आकार भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधकों का दृष्टिकोण। देखिए, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार से प्रभावित करेगा वित्तीय नियोजन को, अर्थात व्यवसाय के जो स्वामी हैं, प्रबंधक है, वो क्या चाहते हैं। यदि स्वामी या प्रबंधक सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, समतांशों का निर्गमन नहीं करेंगे, ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे, ताकि सारा का सारा नियंत्रण उनके हाथ में रहे। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार होता है। तो ऐसी सिचुएशन में समतांशों का निर्गमन नहीं किया जाएगा, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाएगा। और वहीं अगर प्रबंधकों का दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं कि संकुचित नहीं है, ब्रॉड है, तो ऐसी सिचुएशन में वो समतांशों के निर्गमन द्वारा भी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कि जब भी किसी भी व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार की यदि वित्तीय योजना बनाई जाएगी, तो उसके लिए सरकारी नियंत्रणों को, सरकारी नीतियों को, सरकारी नियमों को, जो उस क्षेत्र की वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। अर्थात जिस एरिया में व्यवसाय की स्थापना की गई है, उस क्षेत्र की सरकारी नीतियाँ किस प्रकार की हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्रों में सरकार प्राइमरी सेक्टर को, जिसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है, किन्हीं क्षेत्रों में सरकार कंपनियों को अधिक स्थापित करना चाहती है, जैसे कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यदि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में किसी प्रकार की कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है, कोई भी व्यवसाय स्थापित किया जाता है, उस एरिया में उस व्यवसाय को बहुत सी सुविधाएं सरकार एडिशनल अतिरिक्त रूप से प्रदान करती है। तो इस प्रकार से उसकी फाइनेंशियल जो योजना है वो वहाँ से उस चीज़ से प्रभावित हो जाएगी। अर्थात आप देखिए, यदि रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, बैंकों की फैसिलिटी बहुत सारी अच्छे से अवेलेबल होगी, तो वो एक वित्तीय योजना उसकी चेंज हो जाएगी कि किस प्रकार से वो वित्तीय योजना बनाए। या किसी, आप देखिए, कहीं पर किन्हीं क्षेत्रों में या किन्हीं व्यवसायों में सरकार
टैक्स में रिबेट देती है, जैसे कि लाभांश को यदि पे करने पर छूट दे दे, या ब्याज, जैसे कि डिबेंचर्स पर जो ब्याज होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो इस सिचुएशन में वो सरकारी जो नीतियां हैं वो भी वित्तीय योजना को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार की वित्तीय योजना बनाई जाएगी जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से छूट प्राप्त की जा सके। तो ये वित्तीय सरकारी योजनाएँ, सरकारी नीतियाँ भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखिए, वैकल्पिक वित्तीय साधन। वैकल्पिक वित्तीय साधन कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कि सिर्फ एक बार वित्त प्राप्त कर लिया है किसी भी संस्था ने तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। जब वो योजना बनाएगा तो एक साधन से जिसे उसे वित्त प्राप्त करना है उसके साथ साथ अल्टरनेट एक अतिरिक्त साधन को भी ध्यान में रखकर चलेगा। कारण क्या है? किसी भी कारण से यदि उस साधन से पर्याप्त मात्रा में वित्त की प्राप्ति नहीं हो पाती या परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, उस सिचुएशन में वो वैकल्पिक साधनों से वित्त प्राप्त करके अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकता है। तो इस प्रकार से वैकल्पिक वित्तीय साधन कौन कौन से अवेलेबल हैं, किस प्रकार से उनसे वित्त प्राप्त किया जा सकता है, उनकी लागत कितनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजना बनाई जाएगी। तो वैकल्पिक साधनों की लागत भी, वैकल्पिक साधन भी वित्तीय योजना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां एवं पूंजी ढांचा। देखिए, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हाई ग्रेड सिक्योरिटीज। वित्तीय योजना का जब निर्माण किया जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार का कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा अपनाया जाए व्यवसाय के लिए जो व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा सुदृढ़ हो और लाभदायक हो। अर्थात एक व्यवसाय जब कार्य करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभों की प्राप्ति करना। एक लाभों की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? एक तो होता है कि अपनी विक्रय में वृद्धि करके या विक्रय मूल्य में वृद्धि करके कंपनी लाभ प्राप्त कर सकती है। दूसरा होता है यदि कंपनी अपनी विभिन्न प्रकार की लागतों को कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तब भी उसके लाभ बढ़ जाएंगे। तो जनरली कंपनी के लिए ये प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है कि वो अपनी लागतों को कम करके अपने लाभों में वृद्धि करे। तो इसके लिए लागतों को कम करने में पूंजी की लागत एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पूंजी ढांचे में विभिन्न प्रतिभूतियों का समायोजन, समन्वय, अनुपात इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि उनकी लागत कम से कम हो जाए। और जब इस प्रकार की लागत कम हो जाएगी तो ओवरऑल इसका इफेक्ट पड़ेगा संस्था की लाभदायकता पर। तो इस प्रकार से जो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं या जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पूंजी ढांचा है, वो भी वित्तीय योजना को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, बाह्य पूंजी की आवश्यकताएं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि अस्थायी तौर पर भी व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता होती है। मतलब सिर्फ एक बार व्यवसाय स्टार्ट करके उसमें कैपिटल आपने लगा दी, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। बहुत बार व्यवसाय का विस्तार है या फिर किसी अन्य कारण से बाह्य पूंजी की आवश्यकता है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये बाह्य पूंजी कौन सी होती है? देखिए, पूर्वाधिकारांश जारी करके या ऋण पत्र जारी करके बाह्य पूंजी प्राप्त की जा सकती है। तो बाह्य पूंजी की आवश्यकताओं को भी वित्तीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा। कारण क्या है? जब ऋण पत्र इशू किए जाते हैं तो उन पर ब्याज पर छूट मिल जाती है टैक्स की। तो इस प्रकार से ये बाह्य पूंजी की क्या आवश्यकताएं कंपनी में रहेंगी, तो ये या वित्तीय संस्थाओं से किस प्रकार से ऋण प्राप्त कर सकती है, कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जो संस्था को ऋण देने के लिए तैयार है, उन वित्तीय संस्थाओं की नियम और शर्तें क्या है, किस प्रकार से वो ऋण उपलब्ध करवा देगी, कितने समय में और कितने समय के लिए ऋण उपलब्ध करवा सकती है, तो इस प्रकार से और कितने समय के लिए आवश्यकताएं होगी कंपनी को इस प्रकार की बाह्य पूंजी की। तो ये सारे फैक्टर्स एक कंपनी की वित्तीय योजना को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर एक संस्था की, एक कंपनी की वित्तीय योजना निर्धारित की जाती है। तो ये प्रभावित करने वाले तत्व अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। एक कंपनी में वित्तीय आवश्यकताएं कौन कौन सी है उनका अनुमान लगाना, या वित्त की आवश्यकता किन कारणों से होती है, तो इसमें हम ध्यान देते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं वित्त की आवश्यकताएं। सबसे पहला है स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए। एक संस्था की जब स्थापना की जाती है तो उसे स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है।
स्थायी संपत्तियों से क्या तात्पर्य हुआ, जब भी एक कंपनी की स्थापना करने का विचार मन में आता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, भूमि चाहिए, उस भूमि पर कोई किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा भवन के रूप में, तो उसके लिए पैसा चाहिए, उस कंपनी को निर्माण करने के लिए उस भवन में कोई भी किसी भी प्रकार की मशीनरी लगवानी है या फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स में। और इन सबको क्रय करने के लिए व्यवसाय को पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि वो क्षेत्र, उस कंपनी का जो विचार है कितना बड़ा है, उस कंपनी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, उसके लिए कितनी बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी, या उसके ऊपर जो जिसको हम बोल सकते हैं प्लांट लगाया जाएगा वो कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, तो ये अनुमान लगाना। अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रकार का फाइनेंशियल मशीनरी की आवश्यकता होती है, फर्नीचर की या प्लांट की आवश्यकता होती है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी किस प्रकार के व्यवसाय को करती है या करेगी, तो उसी के आधार पर स्थायी संपत्तियों के लिए क्रय करने के लिए आवश्यक पूंजी की रिक्वायरमेंट का, आवश्यकता का अनुमान लगाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कंपनी के लिए स्थायी संपत्तियों की स्थापना के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है चालू संपत्तियों के क्रय के लिए। अब ध्यान दीजिए, जब एक बार हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, मशीनरी हमने लगा दी है, अब उसको स्टार्ट करना बाकी है, लेकिन मशीनरी काम कब करेगी, जब उसमें कच्चा माल आएगा, लेबर आएगा, उस लेबर को भी रोज डेली वेजेस देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कच्चा माल आएगा, कच्चे माल को अर्धनिर्मित माल में परिवर्तित किया जाएगा, अर्धनिर्मित माल जब तैयार होगा निर्मित माल के रूप में बनेगा, और उस निर्मित माल को भंडार गृह में भी रखना पड़ेगा, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, गोदाम में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो डेली कार्य हैं वो चालू संपत्तियों में सम्मिलित किए जाते हैं, अर्थात कच्चा माल खरीदना, अर्धनिर्मित माल के लिए पैसा लेना, निर्मित माल बनाना या श्रमिकों की व्यवस्था करना, अथवा जितनी भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है डेली कार्यों के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, वो भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। तो इसके लिए कितना पैसा चाहिए, कितनी वित्तीय आवश्यकताएं होंगी, ये इसमें हम इंक्लूड करेंगे, अर्थात वित्तीय आवश्यकताओं में ये देखा जाएगा। और ये डिपेंड करेगा, देखिए, व्यवसाय की प्रकृति पर, आकार पर, व्यवसाय किस प्रकार का है, तो ये चालू संपत्तियों में देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मौसमी प्रकृति का व्यवसाय है, तो एक मौसम विशेष में उसे चालू संपत्तियों की अधिक आवश्यकता होगी। और ऐसा व्यवसाय है जो डेली रूटीन का व्यवसाय है, तो उस प्रकार से उसके लिए रॉ मटेरियल का निर्धारण किया जाएगा या वर्किंग कैपिटल का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये वित्तीय, थर्ड पॉइंट आता है अमूर्त संपत्तियों के क्रय के लिए। अमूर्त संपत्तियों के क्रय के लिए अर्थात व्यवसाय की जब स्थापना की जाती है तो उसमें इनटेंजिबल एसेट्स की भी आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जो प्रमोशन के खर्चे हैं, एक व्यवसाय की स्थापना के जो खर्चे हैं, या यदि शेयरों का निर्गमन किया गया है, या व्यवसाय का समामेलन करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हो गए, ख्याति के खर्चे हो गए, पेटेंट के यदि किसी प्रकार का कोई खर्च है तो वो यहाँ सम्मिलित किया जाएगा, अथवा कंपनी अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसके पीछे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, यानी कि यदि अभिगोपक अंडरराइटर यदि नियुक्त किया है तो उसको कितना कमीशन देगी, बैंकों को कितना कमीशन देगी, या उन अंशों ऋण पत्रों को छपाने के लिए जो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं उनके ऊपर कितना खर्च करेगी, ये सारे अमूर्त संपत्तियों में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे खर्चे, चूँकि प्रवर्तक प्रमोशन का कार्य करता है उसको भी कुछ देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से इन सब कार्यों के लिए कितने पैसे की उसे आवश्यकता होगी, इन सब का अनुमान भी यहाँ लगाया जाएगा। अर्थात वित्तीय योजना बनाते समय एक व्यवसाय की स्थापना के विचार से लेके उस प्लांट को स्थापित करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करने तक जितने भी खर्चे होंगे उन सब के लिए प्लानिंग पहले से ही निर्धारित करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसकी वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना पड़ेगा। तो ये थी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।